हे गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रिया समसेर ब्लॉग। और आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है, न्यू ब्लॉग में। और हम मिल चुके हैं फिर से इवनिंग में। और इवनिंग में हम क्या करने वाले, कहाँ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। बाल तो जो झड़ रहा है कि पूछो मत। तो दिखाते हैं आपको। और मेरी सर्दी खांसी तो जा नहीं रही है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये डब्बा लेके। तो ये डब्बे में है गेहूँ, इसको दे रहे, जाने दे रहे पीसने को। अभी इसको दे देंगे, फिर वो पीस जाएगा तो फिर हम लेके आएंगे भी। और यहाँ पे दोनों कर रही है मस्तियाँ। मैं बोल रही हूँ एक लोग मेरे साथ चलो, तो कोई नहीं जाने मैं चल रही है। तो ये दोनों को क्यों नहीं चल रही मैं बता दूँ। दी देखो वो बोल रहा है, दी मतलब दी जल चलो वो बोल रहा है। उसको पैंटी कौन पहनाया है टेढ़ा मेढ़ा? नहीं ना ना, ऊपर लेके आ बाबू को। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, बोलो हेलो बोलो, हेलो आइए। वो आपको बुला रहा है। तुम लोग बैग कैसे फेंके हो? गाइस मैं गोवा गई थी तो ये लेके आई थी वहां से शेल। तो ये लेके आए बीच से, साउथ वाले गोवा हम गए थे। हाँ तो बीच पे। और ये देखिए इनसे मिलिए, बोलो आ जाइए, बोलो बोलो आ जाइए, आइए। तो ऐसे ही लग रही है हमारे ब्लॉग में। हम दिखाते रहेंगे क्या करने वाले हैं आगे हम। और हम किचन में भी चलते हैं। किचन में हमारा तो सब कुछ हो चुका है करीब करीब, मतलब सब कुछ धुल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किचन में, इधर दूध भी उबल गया है, इधर पानी भी उबल गया है, इधर थोड़ा दूध रखा है, इधर बाबू का बोतल भी उबाल के रखा हुआ है, इधर टिफिन विफिन धुल के रखा है सूखने के लिए। अब आएंगे तो क्या खाएंगे बच्चे लोग पूछेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम खाना भी बनाएंगे। तो बस हमारे ब्लॉग में लगे रहिए। और हम एक चीज दिखाते हैं आपको, तो किसके किसके यहाँ ऐसा मनी प्लांट है कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम किचन में लगाए हैं ऐसे, तो आप भी ऐसे लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। बहुत अच्छा से ग्रोथ किया है हमारा मनी प्लांट। अब इसको हम लगाएंगे बड़े पॉट में। लग रही है ऐसे ही ऐसे कुछ यूनिक यूनिक चीजें हम दिखाते रहेंगे और लगाते रहते हैं ऐसे ही। तो और देखिए ये हम चॉकलेट आता है बच्चों लोग को हमारे खाने के लिए, तो हम इसको फेंकते नहीं है, धुल के रख देते हैं। तो ये ऊपर नीचे सारा कुछ आपको चॉकलेट का ही दिखेगा, सब मिलेगा, चॉकलेट का ही बॉक्स है। तो उसमें हमने सारा मसाला, खड़ा मसाला ऊपर रखा हुआ है, नीचे पीसा हुआ है। बस लग रही है हमारे ब्लॉग में। और ऐसी बात नहीं है, डब्बे हैं हमारे पास, इसमें है सारे डब्बे, स्टील के हैं, लेकिन बाहर गंदे हो जाते हैं ना, तो मैंने बाहर थोड़ा सा वैसा ही रख दिया है। वो कांच के है ना, तो उसको हम धुल लेते हैं तो साफ भी हो जाता है। तो बस ऐसे ही लग रही है हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे मेन लाइन को दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा लगा हुआ है। तो हम बैक कैमरा को आपको दिखाएंगे कैसा कैसा लगा हुआ, छोटा सा लगा हुआ है, कुछ उत्सव है। तो ये मेला लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और इधर ये जबरदस्ती जा रही है, बोल रही है मम्मी मुझे नहीं बाबा ठंडी, मेरे को अभी सर्दी इतना हुआ है। यहाँ पे अचार अचार का उत्सव है, अचार है। इधर देखो ये वाला खाना है आइसक्रीम। अरे बाबू को लेके आएंगे कल, तो ये सब बाबू को उसमें बैठाएंगे, बाबू भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर टैटू वगैरह भी निकलता है देख सकते हैं। यहाँ पे गेम भी है, कितने लोग बंदूक से फोड़ेंगे उतना क्या मिलने वाला पता नहीं। तो यहाँ पे भी खेल सकते हैं, ये फ्री होगा? नहीं नहीं आओ आओ, बलून शॉट्स भी है सारे के सारे। वहाँ पे भी लगा हुआ है कुछ इस तरह का लगा हुआ है, कल आते हैं तो पूरा परफेक्ट दिखाएंगे। तो टीवी वगैरह अंदर से अभी
भी आज परफेक्ट नहीं लग दिखाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और हम पूरा फुल मेले में नहीं जा रहे हैं, आधा ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हम कल आएंगे, कल बच्चों लोग की छुट्टी है ट्यूशन की, तो कल दिखाएंगे बच्चों लोग को अच्छे से। बड़े वाले झूले में इसको जाना है, तो यहाँ पे किसको किसको टैटू निकालना है, यहाँ पे टैटू बहुत कम दाम में निकल। सो हे गाइस, तो यहाँ पे हमने खाना वाना खा भी लिए है हम लोग, यार सोने आ गए हैं, क्या बताया, अभी मेरी मोबाइल हो चुकी थी स्विच ऑफ, नहीं तो मैं अपने सब्जी की भी रेसिपी दिखाने वाली थी आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं सिर्फ पालक जितना रहता है ना उसमें का पत्ते लेती हूँ, और लहसुन और मिर्ची और ये हींग और ये मेथी का तड़का देती हूँ, और उसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, कांदा वंदा कुछ नहीं डालती, तो पूरा एकदम नरम सॉफ्ट साग के जैसा बनता है। तो उसका खाने का मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पालक का ही टेस्ट आता है उसमें, आलू डाल देते तो पूरा वो आलू आलू का हो जाता है, और उसकी प्रोटीन भी आप समझ सकते हैं जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलता है, तो अच्छा भी लगता है खाने में, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही खाती हूँ। अभी अपने बच्चों लोग को भी हमने खिलाना सिखा दिया है, मेरी छोटी लड़की भी आज खाई, बड़ी वाली तो नहीं खाई पर छोटी वाली खाई, थोड़ा ही खाई, बोली मम्मी अच्छा बना है, अब मैं खाऊंगी। यहाँ पे ये तेल भी लगा लिए हैं, अब जा रहे हैं सोने, इनको शर्म आ रहा है कैमरे में लगता आते नहीं कभी, ऐसा शर्म आ रहा है क्या लड़के है आजकल के यार। तो अभी हो चुकी है नाइट, तो हम अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और देखते हैं कल कहाँ जाएंगे इन लोगों को घुमाने, क्या करते हैं कमेंट करके बताइए कि लेके जाए कि नहीं बच्चे लोग। तो बस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और हाँ, जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके एक प्यारा से जुड़ जाइएगा। अरे बाप रे, गुड नाइट बोलो बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, हाँ गुड नाइट, अपने मन का लड़का है, गुड नाइट नहीं बोलोगे, चलो बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, तो कुछ भी नहीं बोलने वाला है, बाय 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 बाय। 30 जा रहा हूँ बातें करने, तो अपने दीदी से ही ज्यादा चप चप। अब आप तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करते, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, जितना हम गुस्सा दिखा रहे हैं उतना ज्यादा देर दिखा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, चुप चुप दीदी की ताकत हमेशा अपने साथ, तब तक के लिए गुड नाइट दीदी।